भाई आपके लिए एक बहुत ही कमाल की सीक्रेट जगह ढूंढी है और जगह का नाम ही सीक्रेट पॉइंट है। ये देखो और यहाँ पे मिलता है सामने, देखो वो 149 में 21 आइटम्स, वो भी अनलिमिटेड, जितना मर्जी खाओ 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 खाओ, मौज बनाओ। सर अभी हम अंदर आ गए सीक्रेट पॉइंट के। सर क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल बढ़िया सर, थैंक यू सर आपने अपना टाइम दिया। तो नाम क्या सर आपका? मनिंदर सिंह चीमा। तो चीमा साहब बड़ा मैंने लोगों से सुना है, बाहर आपने बोर्ड भी लगा रखा है, पीछे भी बोर्ड है, 150 रुपये में सर 21 आइटम है। हाँ जी बिल्कुल सर दे रहे हैं। तो सर 150 रुपये में 21 आइटम है, इतना बड़ा शहर है लुधियाना अपना, तो क्वालिटी में सर कोई इफ एंड बट तो नहीं है? नहीं सर, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो एक बार दिखाइए सर क्या क्या आइटमें रहती हैं। तो यार हम आ गए हैं बिल्कुल सब्जियों के पास और पीछे देखो पाजी ने बोर्ड लगाया हुआ है, यदि आप थाली में खाना छोड़ते हो 100 रुपये पाजी जुर्माना है ना, खाओ जितना मर्जी, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सर एक बार दिखाइए कि करके क्या क्या आइटम रहती है अपने पास। भाई ये खुला है जी पहला संदूक और इसके अंदर है भाई मंचूरियन, वाह, और एकदम थिक ग्रेवी वाला। भाजी क्वालिटी तो ठीक लग रही है मंचूरियन की? क्वालिटी पूरी बेस्ट है, ठीक नहीं, पूरी बेस्ट क्वालिटी है सर। भाई व्हाइट सॉस पास्ता और बढ़िया वेजिटेबल्स डली हुई हैं, बेल पेपर्स डले हुए हैं, कमाल की लुक आ रही है पास्ता की, बहुत ही बेहतरीन। और सर बफे 7 दिन मिलता है? हाँ जी सर बफे 7 दिन ही मिलता है। ये देखो कितनी सुंदर लुक की चाउमीन है, बहुत ही बेहतरीन और पूरी लोडेड है ये भी, वाह। ये चेक करो यार तंदूरी सोया चाप और इसकी भी लुक जो है ना बड़ी बेहतरीन सी लग रही है। ये भी अनलिमिटेड सर? सर हाँ ये भी 150 में अनलिमिटेड है सर, अगर आप बाजार में कहीं से भी लेते हो चाप जी 150 पर प्लेट मिलती है। बिल्कुल सही है जी, 150 में हम लोग अनलिमिटेड दे रहे हैं। क्या बात है यार, तो पाजी का कहना है 150 रुपये में भाई बाजार जाओगे ना तो एक सिंगल प्लेट खाओगे, यहाँ आओगे तो अनलिमिटेड खाओगे। वाह आगे दिखाइए सर क्या है। अभी ये संदूक में है भाई स्प्रिंग रोल्स, वाह बढ़िया नूडल्स वाले स्प्रिंग रोल्स है। और मेन्यू सर रोज चेंज होता रहता है अपना? मेन्यू सर चेंज होता रहता है। चाप हो गई दो तरह की, अब जो मेरे भाई शौकीन है ना चाप खाने के उनके भाई मौज होने वाले हैं, क्योंकि दो तरह की यहाँ पे चाप है। और ये सर बटर चिकन जैसा ही स्वाद होता है इसका है ना, वाह भाई। पनीर की आइटम भी आ गई है 150 रुपये के अंदर और कढ़ाई पनीर की रंगत चेक करो कितनी कमाल है, बहुत ही बढ़िया भाई। ये आ गया मटर मशरूम, पंजाब में इसको भाजी खुम्बा मटर भी कहते हैं ना, खुम्बा मटर भी है। और आइटम्स देख लो यार, अभी काफ़ी सारी आइटमें दिखा रही हैं, अभी और आइटम्स पड़ी हैं। पंजाबियों की प्यारी दाल मखनी, इसके बिना हर ढाबा हर बफे रहता है जी अधूरा, वाह। ये रे जी फ्राइड जीरा राइस और बड़ी कमाल की रंगत है चावलों की भी। ये आ गया जी मिक्स रायता, अगर किसी को भाई जीरा राइस नहीं खाने हैं तो प्लेन राइस भी यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तो भाई पाजी ने ना सारी आइटमें दिखा दी, क्वालिटी के बारे में बता दिया, अब क्वालिटी का ना पता लगता है खा के, और खा के पता लगेगा स्वाद है कैसा, क्योंकि बोलने में और देखने में तो भाई बहुत ही कमाल लगती हैं चीज़ें, पर खा के असल पता लगता है। तो असल चेक करते हैं जी, अब 2 सर प्लेट। तो ये रही भाई प्लेट, बाकी जगह चलती है व्हाइट प्लेट, यहाँ पे अब ब्लैक प्लेट है भाई। अब होते ही देखो 1, 2, 3, 4 और 5 5 बॉक्सेज हैं आइटम एक की, सब इनको भरना ही ना एक बड़ी कलाकारी है। तो भाई 150 रुपये दिए हैं, 150 रुपये में 21 आइटम है, अनलिमिटेड खानी है। पैसे तो देखो पूरे हो ही जाएंगे, पर बढ़िया निंजा टेक्निक से कैसे करने वो आपको बताता हूँ। पहले ये रे भाई पापड़, सलाद है ढेर सारा, चटनियाँ वटनियाँ भी पड़ी हैं। तो भैया चंकी पांडे जैसे है ना आखिरी पास्ता, अब ये भी आखिरी पास्ता होने वाला है क्योंकि बफे है जी, इस टाइम क्लोजिंग का टाइम, इसके बाद इनकी किचन रेस्ट पे होती है, तो ये थोड़ा सा पास्ता है तो हम लेते आ गए। ये देखो जी लग रहा है ना महंगा पास्ता, पास्ता देखने में भाई एक्सपेंसिव लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हल्का सा ना इस जगह पे इसको ऐसे विराजमान करेंगे, पास्ता तो आ गया भाई। अब ये देखो ये बढ़िया सा मंचूरियन, ये देखो पास्ता, ओहो मोटे मोटे बॉल्स, पर अब देखो जगह कम है, मंचूरियन भी लेना तो उसकी टेक्निक बढ़िया। ये लो भाई पहले बढ़िया से नूडल्स भरो, ऐसे पर बेडशीट डालो भाई मंचूरियन की ऐसे। ये चाप बिल्कुल सही बात बोली भाजी ने कि 150 रुपये में भाई सिंगल प्लेट मिलती है बाज़ार में, पर यहाँ पे 150 के अंदर ये भी अनलिमिटेड है, तो इसको तो भाई लपेटेंगे पूरा। अब आगे ये देखो जी स्प्रिंग रोल, स्नैक्स की अच्छी वैरायटी है, ये आगे भाई स्प्रिंग रोल्स। अब आगे आ गया जी मेन कोर्स शुरू, बटर चाप, और लुक जो है ना एक बार कमेंट जरूर करना, लुक बहुत कमाल की लग रही है। ये देखो वाह, ये वही आइटम है जो थोड़े दिनों बाद ना सुनियारों की दुकान पे मिलेगी। अब भाई देखो ये दोनों चीजें ना सेम लग रही हैं पर है अलग अलग, पनीर के बाद हमने मिस किया भाई मशरूम। तो अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि जगह है अपने पास सिर्फ एक, अब अपने पास बचा दाल और मशरूम। दाल और मशरूम में मैं दाल को पकड़ूंगा क्योंकि भाई दाल बहुत ज़रूरी है। ये देखो जी बढ़िया मिक्स वेज रायता है, साथ में है जी 2 तरह के राइस। तो चपाती जो है ना यार आप बैठो टेबल पे आपको मिल जाएगी, और फटाफट बैठते हैं हम भाई, प्लेटिंग हमने कर ली। अब देखो क्वालिटी के बारे में ना मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि भाई 150 में क्वालिटी कैसे पॉसिबल है, क्वांटिटी तो देख रहा हूँ मैं पर क्वालिटी कैसे हो जाएगी। तो क्वालिटी चेक करते हैं, अब ये देखो क्या क्या डाला हमने, मंचूरियन नूडल्स पनीर, उसके बाद चाप दाल
और जितने स्नैक्स सारे डाल लिए, सब्जियों में हमने मशरूम छोड़ा और दो राइस नहीं ले पाए हम, और उसके बाद रायता, और ये रही बास्केट, ये बास्केट है यहाँ की, ये भाई बटर नान के लुक चेक करो, ये साथ में बटर रोटी, मिस्सी रोटी भी होती बीच में, क्या बात है जी, मिस्सी रोटी और साथ में ये देखो जी लच्छा पराठा हो, वाह। तो हम बेसिक चीज से शुरू करते हैं जी, जो चपाती है उसे लेते हैं, बढ़िया कुरकुरी रोटी, ऊपर घी भी लगा हुआ है, वाह क्रिस्पी भी है। अब भाई गलती हो गई मेरे से, मैं सीधा रोटी पे टूट पड़ा हूँ, पर चलो ये इसको एक सेकंड के लिए साइड पे रखता हूँ, शुरू करते हैं भाई स्नैक्स से। इधर आओ अभी, ये देखो, ओ हल्का सा दबाया और भाई फोक आर पार हो गया इसकी, इतनी जल्दी तो मतलब कटप्पा की तलवार नहीं बाहुबली की आर पार हुई थी, जितनी जल्दी ये फोक मंचूरियन के हो गया, एकदम सॉफ्ट मंचूरियन है और बढ़िया टेस्ट है, कैबेज वैबेज भरी हुई है अंदर, मंचूरियन तो पास है, अब आ गई है जी चाउमीन की बारी। ओहो यार चाउमीन लग रही है देखने में, तो खा के देखते कैसी है, चाउमीन भाई कमाल की है, वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, थोड़ी डिफरेंट है, जैसी रोड साइड चाउमीन खाते हैं ना वो थोड़ी स्पाइसी और वो होती है, ये बिल्कुल बैलेंस फ्लेवर वाली है, मतलब कम स्पाइसेस वाली चाउमीन है। अब आ गया हो भाई पास्ता, और वो भी वाइट सॉस, बेल पेपर वगैरह डाले हुए हैं, बढ़िया भाई, 150 रुपये में ये खा जाओगे ना प्लेट भर भर के, तब भी निराश होकर नहीं जाओगे, क्योंकि पास्ता बहुत ही ज़्यादा कमाल है। वाइट सॉस पास्ता में ना लोग मेयो वेयो डाल के मीठा सा कर देते हैं, बट इसमें मेयोनीज नहीं डली हुई। ये लीजिए तंदूरी चाप, आजकल बड़ा ट्रेंड है इसका, बड़ा लोग इसको प्यार करते हैं, चाप बिल्कुल स्पाइसी है, बढ़िया गार्लिक का किक है। अभी ये आ जाओ जी आगे स्प्रिंग रोल, वाह अंदर बढ़िया नूडल्स भरे हुए हैं, टिपिकल जैसा स्प्रिंग रोल चलता है ना वैसा ही है, हर जगह जैसा मिलता है वैसा ही स्प्रिंग रोल है। अब आओ भाई आगे मेन कोर्स के ऊपर, वाह ये देखो एकदम ना बढ़िया टेंडर सॉफ्ट चाप है। ज़्यादातर बफेज जलंधर में ही होते हैं, लुधियाना में बहुत कम बफेज हैं, पर जितने भी लुधियाना शहर में खाए हैं ना उनमें सबसे बढ़िया चाप ये लगी। अब आ गया हो भाई पनीर, जो करवाता है सबके पैसे पूरे, पर मेरे अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि पास्ता भी मैं रिफिल करने वाला हूँ। ये आ गया जी पनीर, ओहो पनीर और चाप में अगर मेरे को चूज़ करना हो तो मैं चाप को चूज़ करूँगा, क्योंकि पनीर है कढ़ाई पनीर बट मीठा मीठा है। अब बफेज में मेरे को ये नहीं समझ आता पनीर मीठा मीठा क्यों होता है, तो अगर तुम मीठा मीठा पनीर पसंद करते हो तो बढ़िया टेस्ट है। अब आ गया हो जी दाल, ये होती मेन चीज़, अगर ये बढ़िया तो सब कुछ ही बढ़िया, एकदम गाढ़ी दाल है। दाल एकदम ढाबा स्टाइल है, जैसी ढाबों में दाल चलती है ना वैसी दाल है, पंजाबी दाल जो टिपिकल होती है वो वाली अच्छी क्वालिटी की दाल है। और भाई जितना भी मैंने फूड लिया ना, भाई बफे भाजी ने न्यू खोला है, अगर तो ऐसी क्वालिटी भाजी देंगे सारा टाइम तो भाई ये बेस्ट होने वाला लुधियाना शहर का। और लोकेशन अभी बताएंगे, सुन के जाना और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं भाई आगे किसी वीडियो में। और देख लो ओनर साहब बैठे भी अपना लंच कर रहे हैं, हलवाई अपना खाना अपनी खाते, पर देख लो ओनर साहब खुद बैठे खा रहे, तो भाई क्वालिटी बढ़िया।